हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम टू मैन अदर वीडियोज़। फ्रेंड्स, ये ब्लॉग मेरे लिए काफ़ी स्पेशल है क्योंकि मैं कई सालों से ये वीडियो बनाने के लिए सोच रहा था कि जब मेरा बीपीएससी में रिजल्ट होगा तो मैं अपने गुरुजी से मिलने जाऊंगा। तो आज वो दिन आ चुका है और हम लोग अभी देख सकते हैं, बैकग्राउंड देख सकते हैं कि अभी हम नड़हिया में हैं और हम लोग अपने गाँव से चल के नड़हिया में अभी थोड़ा सा इंट्रो वीडियो शूट कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग पहुँचेंगे फुलपरास, क्योंकि मेरे जो फेवरेट गुरुजी है उनका घर जो है फुलपरास में है। तो हम लोगों को बचपन से पढ़ाए हैं और इतने कामयाब बनाए हैं, तो उनका जो है आशीर्वाद लेना बेहद ज़रूरी है मेरे लिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज संडे है, तो देख सकते हैं कि मेरे बगल में कृष्णा, मैंने आपको पिछले वीडियो में इंट्रो कराया था, इनका परिचय कराया था, और बगल में यहाँ पर लालू सर है। तो हम तीनों आदमी मिल के जा रहे हैं सर से मिलने के लिए और उनसे आशीर्वाद लेंगे और उनको मिठाई भी खिलाएंगे कि सर आपकी वजह से मेरे ज़िंदगी में जो है चार चांद लगा। मेरे ज़िंदगी को बदलने वाले मेरे गुरुजी हैं। हर इंसान के लाइफ में एक गुरुजी होता है, वो खास होता है। गुरुजी तो बहुत होते हैं, मैं किसी के बारे में कोई निगेटिव नहीं बोल रहा हूँ। गुरुजी सारे बराबर होते हैं, बट एक खास होते हैं, तो वही खास गुरुजी है हम तीनों के लिए। हम तीनों को मतलब बचपन से ही पढ़ाए हैं, तो उनसे भी मिलने जाएंगे। वो सर भी खुद एक टीचर है, पहले से ही गवर्नमेंट जॉब में है सर। जब वो सर गवर्नमेंट जॉब में नहीं थे तो हम लोगों के गांव में पढ़ाते थे सर, कॉन्वेंट स्कूल में। फुलपरास से चल के यहाँ पर हम लोगों को शिक्षा दिया, तो मेरे गांव को सुधारने में उनका बहुत बड़ा हाथ है, जो भी उनके पुराने स्टूडेंट हैं। तो ये लगभग 10 साल पहले की बात है, तो हम लोग काफ़ी उनसे मिले हुए हैं। ये नहीं कि सर फुलपरास के हम उनको भूल जाएंगे, हम उनको बार बार फ़ोन करते थे, लेकिन हमने बोला था कि सर जब मैं रिजल्ट लेके आऊँगा बीपीएससी टीआरई में तो आपसे मैं ज़रूर मिलने आऊँगा। तो आज वो दिन आ चुका है, हम लोग चलते हैं। तो आई होप आप लोग मेरे साथ वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। तो हम लोग मिलते हैं सीधा अपने गुरुजी के घर पर। जब हम लोग सर के घर के पास पहुंचे तो सर के घर के आसपास भोज हो रहा था, तो सर बोले कि आप लोग भी भोज खाइए। तो हम लोग बोले नहीं सर नहीं खाएंगे, तो बोले लेकिन नहीं नहीं खाओ खाओ। तो हम लोगों ने भोज खाया और देख सकते हैं हम तीनों खा रहे हैं, काफ़ी लाजवाब भोज था। और यहाँ पर सर को हम गिफ्ट दे रहे हैं, एक डायरी और हाफ के जी मिठाई। तो सर बोले अभी पैकिंग रहने दीजिए क्योंकि भोज खा लिए हैं बहुत ज़्यादा। सर का काफ़ी स्नेह मिला हम लोगों को। शिक्षक लाइन में जा रहा है, अच्छा से बच्चों को पढ़ाना है और इसी में करियर को और अच्छा करना है। जी बहुत बढ़िया से पढ़ाना है।